मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग गुवाहाटी में हैं। तो गुवाहाटी में वी विल बी एक्सप्लोरिंग वन डे हियर। हम लोग को एक दिन यहाँ पे गुवाहाटी में अवेलेबल है, तो देखते हैं आज यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी बूटी और वी विल बी ट्राइंग टू गो टू कामाख्या टेम्पल। जो कामाख्या टेम्पल है इट्स वेरी फेमस हियर, इट्स देवी का टेम्पल है, इट्स वेरी फेमस। तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे और एक आइलैंड है वहाँ भी जाएंगे। सो इट्स ऑल वेरी गुड। सो पहले जल्दी जल्दी कुछ खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी सुबह सुबह वगैरह, तो खाना खा लेते हैं। सो कैच यू सून। हम लोग कामाख्या टेम्पल के इलाका में पहुंच गए। इट्स अपन अ हिल, एक हिल के ऊपर है मंदिर। यहाँ बहुत सारे और भी मंदिर बहुत है यहाँ पे, बट मोस्ट फेमस इज़ द कामाख्या टेम्पल। बहुत भीड़ लगता है, जैसे कि हम लोग के ऊपर जो भैया थे, यू आर सेइंग दैट इट इज़ वेरी क्राउडेड हियर। तो अगर आपको दर्शन करना है दैट यू मीन यू हैव टू कम बाई 5 o'clock 6 o'clock, देन ओनली 12 बजे तक आपका दर्शन हो पाएगा। इतना भीड़ रहता है। जाके देखते हैं कितना भीड़ है। अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है तो लेट अस ट्राई टू हैव ब्लेसिंग्स फ्रॉम द टेम्पल एनीवेज। और भी आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है। स्वरूपेण हदरैत्यमा बले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। शिवदूते स्वरूपेण हदरैत्यमा बले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। तो जैसे आप लोग देखा, कामाख्या मंदिर का थोड़ा विजुअल्स आपको दिखाया गया था। तो अंदर में अभी थोड़ा पूजा वूजा चल रहा है और एंट्री भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। जनरल एंट्री ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि 6 से 7 घंटा लगता है टू रीच द टेम्पल। वो एक्चुअली यहाँ से जाके ऐसे घूम के देन यू कैन कम इनसाइड द टेम्पल। और यहाँ पे बलि चढ़ता है एंड इट इज़ रियली हॉरेबल टू सी। छोटे छोटे गोट्स दे आर बीइंग किल्ड, वेरी बैड। एनीवे इट इज़ अ रिचुअल हियर, सो व्हाट वी कैन से ऑन दैट पार्ट। एनीवेज और भी आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है। तो अच्छा खासा एक दर्शन हो गया है एकदम अंदर से, तो नहीं है बाहर से दर्शन हो गया है। आपको पूरा मंदिर तो दिखा दिया। बहुत ही फेमस मंदिर है, अगर कभी भी हो पाए ज़रूर आइएगा। इट इज़ रियली ग्रेट एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस टेम्पल्स इन इंडिया, ज़रूर आएगा। नेक्स्ट हम लोग अभी एक व्यू पॉइंट में आए हैं। आई विल शो यू सम व्यूज़ ओवर हियर। सो ज़रा देखिएगा, यहाँ से गुवाहाटी का एक झलक दिखता है। यू कैन सी ब्रह्मपुत्र ऑल्सो एंड यू कैन सी कामाख्या रेलवे स्टेशन। और जैसे आपको पता है, गुवाहाटी जो एक सिटी है, इट इज़ इन द वैली ऑफ फ्यू हिल्स, उसके बीच से ब्रह्मपुत्र बहती है। सो अगला हम लोग यहाँ से उमानंदा करके एक टेम्पल है, वी आर गोइंग देयर। इट इज़ शिवा टेम्पल और वो लोकेटेड है पीकॉक आइलैंड करके जगह है, ब्रह्मपुत्र में एक छोटा सा आइलैंड है, विच इज़ नोन एज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड। तो वी विल बी गोइंग देयर, देयर इज़ अ टेम्पल। तो वहाँ का भी नज़ारा देखिए। अभी हम लोग यहाँ पे एक फेरी सर्विस में आ गए। यहाँ से वी हैव टू टेक द फेरी एंड वी हैव टू गो टू द पीकॉक आइलैंड। वहाँ पे है शिवा का टेम्पल। आफ्टर दैट वी विल बी कमिंग बैक बाय द सेम फेरी। तो यहाँ का फेरी का फेयर क्या है एंड द एक्सपीरियंस आई विल बी शोइंग यू सून, सो लेट्स सी। अभी हम लोग उमानंदा टेम्पल के उस आइलैंड में पहुंच गए जो कि पीकॉक आइलैंड बोलते हैं। तो ऐसे से हम लोग वहां से फेरी लेके इस आइलैंड में आना है। दिस इज़ वेरी स्मॉल आइलैंड, लाइक छोटा सा एक आइलैंड है। इट इज़ आई गेस इट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिवर बेस्ड आइलैंड, राइट। रिवर मेड आइलैंड, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिवर मेड आइलैंड। तो जो फेरी का जो फेयर रेट इज़ 20 रुपीज़ टू एंड फ्रो, लाइक यहाँ आना वहाँ जाने के लिए एक ही टिकट है, इट इज़ 20 रुपीज़। सो इट्स वेरी चीप। सो लेट्स सी आगे और क्या है। शरीरं सुरूपं यथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। तो अभी आपको दिखाया पीछे ही मंदिर है यहाँ पे। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। इट्स अ शिवा टेम्पल, एक्चुअली इज़ वेरी ओल्ड शिवा टेम्पल। तो इसका हिस्ट्री यू कैन रीड इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यू कैन हैव ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो जैसे मैंने बताया छोटा सा एक आइलैंड है। यू कैन गेट ऑल द पूजा थिंग्स एंड ऑल हियर, एंड ये स्टेप्स चढ़ के वी कैन कम ओवर टू द टेम्पल। सो आगे चल के देखते हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज़ अलाउड टू टेक वीडियोग्राफी इन साइड। सो एनी वेज लेट्स सी व्हाट्स इन साइड। तो जैसे बताया था मंदिर तो बहुत ही सुंदर था, अंदर से भी इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट अनफॉर्चुनेटली अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड। सो एनीवेज अंदर का जो एक रूप था, दैट मीन्स जो अंदर का जो एक एम्बियंस है वो ऐसा था कि शिवलिंग जो है, जो शिव का जो मूर्ति, इट वॉज वे अंडरग्राउंड। दैट मीन्स आपको अंदर जाके नीचे की तरफ यू हैव टू वॉक डाउन द स्टेयर्स अंडरग्राउंड टू सी द मूर्ति। एंड वो जो एम्बियंस है, उसका जो एटमोसफियर है, फुल्ली डार्क और उसके अंदर दिया जलता है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो कभी भी आइएगा, ज़रूर इस मंदिर को ज़रूर दर्शन कीजिएगा। इट इज़ इन ए स्मॉल आइलैंड जैसा कि बताया था। सो इट्स ए पीकॉक आइलैंड। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फेरी टू कम बैक। तो लेट्स सी और आगे क्या है। अच्छा खासा दर्शन हो गया मंदिर का और हम लोग वापस आ गए हैं इस आइलैंड में। तो अभी बहुत भूख लग रहा है, तो जाकर खाना खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। सोच रहा हूँ कि आसाम के ही गुवाहाटी में जो एक म्यूज़ियम है, सो सोच रहा हूँ कि उसे विज़िट कर लूँ और आपको उसका नज़ारा दिखा दूँ। तो देखिए चलते हैं। तो यहाँ पे जो म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम में दे हैव ऑलरेडी सेटअप वन आसाम स्टाइल हाउस। तो हाउस का मेन रूम है विजिटर्स रूम, उसके बाद उसमें एक आंगन है, एक काऊ का शेड है और ग्रेनरी है। देन दे हैव ए मेन बिल्डिंग वेयर उन लोग का बेडरूम हुआ, उसके पीछे उन लोग का किचन है। सो एवरीथिंग इज़ देयर। तो इट इज़ वेरी नाइस, लाइक यू फॉल बैक ईयर्स बैक। तो ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत साल पुराने एक टाइम मशीन में बैठ गए एंड यू वेंट ऑल बैक। तो अंदर जाके देखते और क्या क्या है। तो जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे इस तरफ से इसका एंट्री होता है। तो एंट्री पे ये है सिटिंग रूम, यहाँ पे लिखा गया है सिटिंग रूम। दैट मीन्स अगर कोई आता है तो उन लोग को बैठने के लिए एक जगह है सिटिंग रूम है। सो सब कुछ एकदम अरेंज किया गया है, सब एकदम कल्चरल के टाइप से अरेंज किया, आसाम के एकदम एथनिक कल्चर के हिसाब से अरेंज किया गया है। और इसका देखिए फ्लोरिंग भी एकदम उसी स्टाइल में दिया गया है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये हुआ सिटिंग रूम। उसके बाद बाहर निकलते इधर से आंगन में आते हैं। यहाँ पे आंगन में इट विल बी एन ओपन स्पेस जहाँ पे काउ शेड होगा और इट कनेक्ट्स ऑल अदर बिल्डिंग्स है। तो वो है मेन बिल्डिंग, मेन हाउस जो है। ये आपका ग्रेनरी हुआ, ये ग्रेनरी यहाँ पे आपका ये राइस हुआ, ये दाल हुआ, वो सब प्रिसर्व करते हैं। और वहाँ पे और सब टूल्स हुआ, जैसे ग्राइंडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसका टूल्स है। और ये काउ के लिए सब, ये काउ का शेड है, ये जो है अंदर दिखाई दे रहा है काउ शेड है। और इधर से फिर अंदर जब जाते हैं इट इज़ द मेन हाउस। तो जैसे हम लोग अंदर आते हैं यहाँ पे इट इज़ द बेडरूम। तो आप जैसे यहाँ पे एक बेड कम स्टोरेज स्पेस है, एक पुराना स्टाइल का बेड रखा गया है, उसका अंदर स्टोरेज भी अवेलेबल है। और उसका एक फ़ोटो भी दिया गया है जैसे कैसे अरेंज किया जाता है। और इधर एक अर्टन पॉट भी है, मिट्टी से बना हुआ पॉट जिसमें कुछ सामान रखने के लिए, ओल्ड टाइप का लैम्प्स एंड ऑल। और देर इज़ अनदर बेडरूम ओवर हियर, इमेजिन दिस वन मोर बेडरूम। सो इधर भी है। और यहाँ पे केन का एक बास्केट भी दिया गया कोई वैल्यूबल्स रखने के लिए। और ऊपर में भी ऐसा कुछ टंगा हुआ है, यू कैन कीप सम थिंग्स एंड ऑल। जैसे ही वी कम टू द बैक वी हैव द किचन। किचन में मीन्स यहाँ पे अंगेटी जल रहा है, दे हैव गिवन दैट एम्बियंस, अंगेटी जल रहा है। और भी सब है यहाँ पे, यू हैव ऑल द लिस्ट किचन में क्या क्या है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो किचन में क्या क्या है, पैन केटल बकेट वगैरह वगैरह एंड ऑल दिस थिंग्स आर बीन शोन हियर। तो उसका एक सब कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ किया गया है। इसका यू कैन इमेजिन इसका फ्लोरिंग भी एकदम उसी तरह का दिया गया है। सो दैट्स अ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो आज तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।